एक चूहा किसान के घर में बिल बनाकर रहता था। एक दिन चूहे ने देखा कि किसान और उसकी बीवी एक थैले से कुछ निकाल रहे हैं। चूहे ने सोचा कि शायद कुछ खाने का सामान है। खूब गौर से देखने पर उसने पाया कि वो एक चूहेदानी थी। खतरा भांपने पर उसने घर के पछवाड़े में जाकर कबूतर को ये बात बताई कि घर में चूहेदानी आ गई है। कबूतर ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि मुझे इससे क्या, मुझे कौन सा उसमें फंसना है। मायूस चूहा ये बात मुर्ग को बताने गया। मुर्ग ने भी मजाक उड़ाते हुए कहा कि जा भाई, ये मेरा मसला नहीं है। बिल आखिर चूहे ने जाकर बकरे को भी ये बात बताई, जिसे सुनकर बकरा हंसते हंसते लूट पूट होने लगा और यही कहा कि जाओ मियाँ, ये मेरा मसला नहीं है। उसी रात चूहेदानी में खटाक की आवाज आई, जिसमें एक जहरीला सांप फंस गया था। अंधेरे में उसकी दुम को चूहा समझकर किसान की बीवी जब उसे निकालने गई तो सांप ने उसे ढस लिया। तबीयत बिगड़ने पर किसान ने हकीम को बुलवाया, जिसने उसे कबूतर का सूप पिलाने का मशवरा दिया। कबूतर अभी बर्तन में उबर ही रहा था कि खबर सुनकर किसान के कुछ रिश्तेदार अयादत को आ पहुंचे, जिनके खाने के इंतजाम के लिए अगले दिन मुर्ग को ज़िबा कर दिया गया। कुछ दिनों के बाद किसान की बीवी मर गई, जिसके जनाजे और ताजियत पर आने वालों की ज़ियाफ़त में बकरा काटने के अलावा कोई चारा ही ना था, जबकि चूहा तो कब का दूर ही जा चुका था। अगर समाज का एक हिस्सा, एक तिबका या एक शहरी भी खतरे में है, तो यकीनन पूरा मुल्क खतरे में है। जात, मजहब और तबके के दायरे से बाहर निकलें, सिर्फ अपनी ही जात तक महदूद मत रहिए, दूसरों का भी एहसास कीजिए, क्योंकि पड़ोस में लगी आग आपके घर तक भी पहुंच सकती है। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें।